नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट के इंजीनियर बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया 25 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि RRB JEE सिविल में आए हुए हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें मोटर को एक नली के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है और वायु चलित रूप से उच्च वेग के साथ सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है, क्या कहलाती है? फेरोसमेंट, गनाइट, कंक्रीटिंग, वर्निशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गनाइटिंग, यानी गनाइट। नेक्स्ट, पट्टिका की प्रभावी लंबाई से कम होनी चाहिए, वेल्ड के आकार के 4 गुने, वेल्ड के आकार के 1 गुना, वेल्ड के आकार के 2 गुने, वेल्ड के आकार के 3 गुने। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वेल्ड के आकार के 4 गुने। नेक्स्ट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोन में जहाँ भी तनन प्रतिबलों की उपस्थिति अपेक्षित हो, वहाँ संपीड़न प्रतिबल लागू करना, अपरूपण प्रतिबल आरोपित करना, परिक्षेपण आरोपित करना, तनन प्रतिबल आरोपित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जोन में जहाँ भी तनन प्रतिबलों की उपस्थिति अपेक्षित हो, वहाँ संपीड़न प्रतिबल लागू करना। नेक्स्ट, अधिक लंबी संरचनाओं के लिए प्रयुक्त भूमि के से सहारे के बिना निर्मित और लगातार ऊपर बढ़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है? मीवान रूप, स्लिप फॉर्म, सुरंग रूप, लास्ट फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्लिप फॉर्म। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? लकड़ी की सामर्थ्य, यानी ग्रेन के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है, इसके ग्रेन के समांतर दिशा में अधिकतम होती है, ग्रेन के 45° दिशा में अधिकतम होती है, सभी दिशाओं में समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इसके ग्रेन के समांतर दिशा में अधिकतम होती है। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ए और बी ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के चमकीले टाइल्स या ईंटों का उपयोग में फेसिंग मटेरियल के रूप में मलबे या कंक्रीट या ब्रिक बैकिंग के लिए किया जाता है। मलबे या कंक्रीट बैकिंग चिनाई के साथ ब्रिक फेसिंग, ब्रिक बैक्स असलन मेसनरी, ईट मलबे या कंक्रीट बैकिंग चिनाई के साथ स्टोन फेसिंग, रैंडम रबल मेसनरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मलबे या कंक्रीट बैकिंग चिनाई के साथ ब्रिक फेसिंग। नेक्स्ट, एम सैंड के निर्माण के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम प्रकार का क्रशर इनमें से कौन सा है? रोल क्रशर, VSI क्रशर, कोन क्रशर, जैक क्रशर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, VSI क्रशर। नेक्स्ट, RE वाल का पूरा नाम क्या है? रेनफोर्स्ड अर्थवाल, रेजिस्टेंट अर्थवाल, रिवेंटमेंट अर्थवाल, रिटेनिंग अर्थवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है रेनफोर्स अर्थवाल, ए। दोस्तों, ये RRB JEE 2019 में सिविल के टेक्निकल क्वेश्चन है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर आपको रिवीजन करना चाहिए। नेक्स्ट, दो आसन्न ट्रसों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? पिच, बे, स्पैन, पैनल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एक सतत बीम के मध्यवर्ती सहारे के डूबने से क्या होता है? सहारे पर लगने वाला ऋणात्मक आघूर्ण कम हो जाता है, सहारे पर लगने वाला ऋणात्मक आघूर्ण बढ़ जाता है, सहारे पर लगने वाला धनात्मक आघूर्ण कम हो जाता है, स्पैन के केंद्र में लगने वाला धनात्मक आघूर्ण बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी फर्स्ट और चौथा सही है, यानी सहारे पर लगने वाला ऋणात्मक आघूर्ण कम हो जाता है और स्पैन के केंद्र में लगने वाला धनात्मक आघूर्ण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सतत बीम का विश्लेषण किसके द्वारा किया जा सकता है? त्रिआघूर्ण प्रमेय, ढलान विक्षेपण विधि, विकल्पों में से सभी, आघूर्ण वितरण विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट,
संरचनात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त आघूर्ण वितरण विधि को का सदृश माना जा सकता है। बल विधि, इकाई विधि, विस्थापन विधि, नम्यता विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी विस्थापन विधि। नेक्स्ट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एवं सहायक उपकरणों का नाम बताएं। ड्राइंग सीट, टेम्पलेट्स, विकल्पों से सभी, गुनिया, सेट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विकल्पों से सभी। ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तीनों हैं। नेक्स्ट, सतत बीम का विश्लेषण किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों ये दो बार हो गया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी दो बार हो गया है। हाँ चलिए, यहाँ से फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को कहा जा सकता है, गुलिकायन, उत्खंडन, पृथक्करण, संकुलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गुलिकायन। नेक्स्ट, यदि सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन समय यानी सेटिंग टाइम 10 मिनट है तो इसे किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्न ऊष्मा सीमेंट, शीघ्र स्थापन सीमेंट, तीव्र कठोरीकरण सीमेंट, सल्फेट रोधी सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शीघ्र स्थापन सीमेंट यानी क्विक सेटिंग सीमेंट। नेक्स्ट, बंकन के अधीन हिस्से को क्या कहा जाता है? स्तंभ, फुटिंग, बीम, स्लैब। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। विकल्पों से सभी, इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यक्ति को मूल शब्दावली और अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाओं को वर्गीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था उन गणितीय तकनीकों का एक ऐसा संग्रह है जो आर्थिक तुलनाओं को सरल बनाती है। इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था एक निर्णय सहायक उपकरण है जिसके द्वारा किसी विधि को सर्वाधिक किफायती विधि के रूप में चुना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट, अधोभौम जल रेखा को किसी बांध के एक खंड के भीतर मौजूद उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे नीचे है, ऋणात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब, धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब, ऋणात्मक समविभव लाइनें, धनात्मक समविभव लाइनें। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, धनात्मक हाइड्रोस्टैटिक दाब। नेक्स्ट, हवाओं के सामर्थ्य को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? पवन सूचक, टिंटोमीटर, वायुदाब मापी, बोफर्ट मापक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर बोफर्ट मापक्रम। दोस्तों इस सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन होगा। ज़्यादातर मोस्ट बॉयज जो होंगे वो पवन सूचक पॉइंट इंडिकेटर को लगा के आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नेक्स्ट, एक रैखिक प्रत्यास्थ आइसोट्रॉपिक और समांगी पदार्थ हेतु स्वतंत्र प्रत्यास्थ नियतांकों की संख्या होती है, 2, 4, 3, 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 2। नेक्स्ट, इमहॉफ शंकु मापने के लिए उपयोग किया जाता है, निलंबित ठोस, घुलित ठोस, कोलाइडी ठोस, सेटल होने वाले ठोस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सेटल होने वाले ठोस। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।